CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तीन अजगर साफ मिलने से मची अफरा तफरी। मुंबई में बड़े पैमाने पर मेट्रो रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है और जगह जगह पर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसमें जीव जंतु अब जंगल से मुंबई शहर की तरफ आते दिख रहे हैं। वहीं रात के तकरीबन 3 बजे के दरमियान BKC में तीन अजगर सांप मिला है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन टीम NGO के कर्मचारियों ने तीन अजगर सांप को पकड़कर मेडिकल के लिए भेजने वाले हैं। उसके बाद ये तीन अजगर वन विभाग को सौंपने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान है, ठीक बांद्रा काला नगर से कुछ दूरी पर के BKC है और वहीं तीन अजगर सांप मिले हैं। हालांकि मुंबई में इसी तरह कई अजगर सांप मिलने का मामला सामने आता रहता है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास काला नगर के पास तीन अजगर मिले हुए हैं। इसकी लाइव तस्वीर है और देख सकते हैं ये अजगर मुंबई के आज सुबह करीबन 3 बजे के दरमियान वहां पर मिले थे। और जिस तरह मुंबई में मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और बड़े बड़े पेड़ और जंगल को काटा जा रहा है, उस तरह जंगल को छोड़ अब शहर के तरफ ये जंतु जानवर मुंबई के तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मुंबई में इस तरह के अजगर और सांप देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम ने आज ये तीन अजगर को पकड़ा है और इन्हें वन विभाग के हाथों सौंपेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CEN न्यूज मुंबई। कहेंगे मुंबई में तीन अजगर आपको मिले, किस अवस्था में मिले, किस जगह पे मिले, क्या हुआ? BKC का जो कला नगर है वहाँ पे हमें कॉल आया परसों रात को करीब 12:30-1 बजे के आसपास कि यहाँ पे एक बड़ा सा सांप है। तो हम वहाँ पे गए, हमने रेस्क्यू हमने देखा कि कौन सा सांप है। देखते ही पता चला कि एक वो अजगर है, इंडियन रॉक पाइथन है। हमने उस पाइथन को रेस्क्यू किया। वो एक बड़ी 8.5 से 9 फीट के आसपास की एक बड़ी फीमेल है। हमने उससे रेस्क्यू करके हम वहाँ से पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में हमने वहाँ पे डायरी बनाया उस जानवर का, फिर हमारे पास आया। फिर दूसरे दिन हमें वापस उस वहीं से एक कॉल आया ये बोल के कि और एक सांप आया है। हम जैसे वहाँ पे गए तो हमने देखा और एक वहाँ पे एक मेल इंडियन रॉक पाइथन था जो कि करीब 6.5-7 फुट के बीच में का है। फिर वहाँ से हम उसे लेके निकले, वहाँ से वापस हम पुलिस स्टेशन गए, उसका डायरी बनाना होता है। तो हम वहाँ से डायरी बना के निकले और हम आधे रास्ते तक वापस चेंबूर के लिए आ ही रहे थे तो वापस एक कॉल आया कि वहीं पे और एक बड़ा सांप आया हुआ है। हम तुरंत ही वहीं से निकल गए और हमने देखा कि और एक बड़ा इंडियन रॉक पाइथन है जो कि अराउंड 7.5-8 फुट के बीच में का है। हमने उसे भी रेस्क्यू किया। अब उन सब पाइथन्स का मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। अगर मेडिकली फिट है तो उसी वही सांप को हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम उन जाके उसे रिलीज़ कर देंगे नेचुरल में। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह के ज़्यादा अजगर बाहर निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहली बात, अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि मेट्रो के काम की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सांप वहाँ से बाहर आ रहे हैं। मेट्रो के काम चालू होने के कारण वहाँ पे वाइब्रेशन जो होता है बहुत सारे, वाइब्रेशन के कारण सांप बाहर आ सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो फीमेल है वो अभी इनका मेटिंग सीजन आने वाला है पाइथन्स का, तो हो सकता है कि इसने वहाँ पे फेरोमोन्स छोड़ा होगा। फेरोमोन्स एक सेक्स ग्लैंड होता है जिसके थ्रू जो मेल होता है वो अट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि इसके लिए जो बाकी के दूसरे जो मेल्स है वो हम लोग को वही स्पॉट पे वापस मिले। तो अब सांप बाहर आने के बहुत सारे पर्टिकुलर रीज़न हो सकते हैं, वेदर होता है, बहुत कुछ होता है। एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता तो कुछ बोल नहीं सकते। खाली अगर आपको सांप कभी दिखे तो प्लीज़ उसे मारिएगा मत, एक फ़ोन कर देना, पुलिस कंट्रोल में फ़ोन कर देना, या तो फिर हमारा NGO का हेल्पलाइन नंबर जो है आप उस पर फ़ोन कर सकते हो। रेस्क्यूअर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागेश भागवत फ्रॉम सर्प NGO।